जो लोग राजनीतिक द्वेष में आकर बहन कुमारी मायावती को अपशब्द कहते हैं, उनको गाली देते हैं, यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उनको लास्ट वार्निंग है कि अगर आज के बाद किसी की रिकॉर्डिंग गाली देते हुए की फंसी या वीडियो फंसी बहन कुमारी मायावती को, हालांकि मुझे संगठन से मतलब है, राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन हमारा सम्मान है, गौरव है, आपको राजनीति करनी है तो कीजिए, जाकर सफेद कपड़े पहनिए, पोशाक पहनिए, संसद विधानसभा में जाइए, कोई मना नहीं है, कीजिए राजनीति, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के बाद किसी ने बहन कुमारी मायावती पर अगर टीका टिप्पणी करी तो उसकी जान माल की सुरक्षा सवे की होगी, ये मैं कड़े शब्दों में कह रहा हूं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, समाज मूवमेंट पर काम कीजिए, सामाजिक मूवमेंट पर काम कीजिए, सामाजिक धरातल पर काम कीजिए, विरोध करना है तो संवैधानिक रूप से अधिकारों का कीजिए, काहे को समाज को तोड़ना चाहते हो भाई, काहे को समाज को तोड़ना चाहते हो, मैं पूछना चाहता हूं। तो मैं इसलिए आपसे, सभी भीम सैनिकों से मैंने बताया कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, संगठन से संबंध है, संगठन की भूमिका बना ली गई है, जिन्होंने तोड़ने का काम किया उनके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है, और यदि आज के बाद मेरा किसी पार्टी होर्डिंग लगा, किसी पार्टी बैनर पर होर्डिंग लगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए साथियों, आगे की प्लानिंग क्या होगी, किस तरह हम लोग आगे काम करेंगे, इसके लिए बहुत जल्दी निर्णय ले लिया जाएगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि काम सही दिशा में करना है, काम को सही दिशा में ले जाना है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा, मुझे ज्यादा नहीं, बस एक हफ्ते का वक्त दीजिए, एक हफ्ता, केवल एक हफ्ता दीजिए, पूरी स्ट्रेटजी बनाकर तैयार की जा रही है, सब चीजें बनाई जा रही है, लगातार सब चीजों को बनाया जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि 8 दिन के अंदर अंदर यह डिसाइड हो जाएगा किस तरह से हम लोग समाज में जिम्मेदारी दी जाएगी, काम किया जाएगा, और यह समाज तय करेगा, मैं खुद निर्णय नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, साहब काशीराम जी के अनुयायी हैं, ईमानदारी रोम रोम में बसी है, हमारा भाई था ईमानदारी कारण कमल सिंह वालिया जी, ईमानदार था तभी तो भाई खो दिया, वरना किसी राजनीतिक पार्टी में जाकर बैठ जाते, एमपी एमएलए बन जाते यार। लेकिन मुझे ये गर्व है कि आज मेरा जो समाज है वो बलिदान को याद करता है, मुझे गर्व है, वो बलिदान को भूलता नहीं है। मुझे मेरे लिए फर्जी लेटर इश्यू किया गया तो आज मेरा समाज कितना परेशान है, मुझे गर्व है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं, जय भीम, उनके चरण स्पर्श करता हूं, मैं अपने समाज के युवाओं के भी, बड़ों के भी, बुजुर्गों के भी, कि उन्हें मेरी इतनी चिंता है, उन्हें अपने नेता की चिंता है। अगर आप इसी तरह अगर बोलते रहे, किसी की ताकत नहीं मेरे समाज को कोई तोड़ दे, बहुजन समाज के युवाओं, जिस तरह से आप बोलना सीख गए हो, जिस तरह से आप गलत के खिलाफ आवाज उठाने सीख गए हो, अब किसी की ताकत नहीं कि मेरे समाज की तरफ कोई गलत गंदी नजर से देख ले, मेरे समाज का उत्पीड़न करे। यहां लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, संविधान है, ये देश संविधानिक है, सब लोग संविधान के अनुसार जी रहे हैं,